महानगर यूथ कांग्रेस की बैठक रविवार को कैंट क्षेत्र स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से महंगाई, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दाम सहित विभिन्न मुद्दों पर 26 जून को विधानसभा का घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। आपको बताते चले कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर के यूथ कांग्रेस के सदस्य भाजपा सरकार के विरोध में 26 जून को लखनऊ के परिवर्तन चौक पर सभा करने के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे। बैठक के दौरान यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक, महानगर अध्यक्ष स्वप्निल श्रीवास्तव, अविनाश भट्ट सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अध्यक्ष अभिषेक पाठक ने कहा, इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य 26 तारीख को प्रातः 10 बजे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, करेंगे कि भारी से भारी संख्या में वो अपने क्षेत्र से लोगों को ले चले। हमारे जो कमेटी के सदस्य गण हैं उनसे भी हम ये आग्रह करेंगे कि वो अपने श्रीवास्तव जी हैं सर विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा है, कमिटमेंट किया है कि 50 से ज़्यादा लोग शहर विधानसभा से 50 से ज़्यादा यूथ कांग्रेसी लखनऊ जाएंगे, 50 से ज़्यादा लोग जाएंगे, तो कुल मिला के संख्या एक हमारी 500 की हो जाएगी और 500 की संख्या में हम लोग लखनऊ कूच करेंगे। आज यूथ कांग्रेस के कार्यालय पे आगामी 26 तारीख को लखनऊ विधानसभा घेराव का यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम रखा है, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने एक बैठक रखी थी और बैठक का हमको एजेंडा, हमको किस प्रकार कितनी सी भीड़ लेके चलनी है, किस प्रकार चलना है और भारी से भारी संख्या में हम चलेंगे, ये आज का कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा रहा है। हम लोग की प्रमुख रणनीति ये बनी है हमारे जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक जी के नेतृत्व में और महानगर अध्यक्ष स्वप्निल श्रीवास्तव के नेतृत्व में कम से कम 500 लोगों की भीड़ चलेगी गोरखपुर से, जो विधानसभाओं का घेराव करेगी और सभी लोग अपने बाय रोड जाएंगे, यहाँ से कुछ लोग ट्रेन से जाएंगे जो विधानसभा का घेराव करेंगे। हम प्रदेश सरकार से और केंद्र की सरकार से सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि आए दिन, ठीक है, उजागर हो रहे हैं जो ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ठीक है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सरकार जो है गंगी और बहरी सरकार हो गई है। हम सिर्फ एक मांग करेंगे, इस सरकार को चिताने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार दिलाने का काम जो सरकार नहीं कर रही है, ये सरकार पूरे तरह से हर प्रकार से निष्फल है, निकम्मी है, इसका विरोध करेंगे।